आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा है, नेम टू थिंग्स व्हिच मे डेवलप ऑन द फेस ऑफ एडोलेसेंट बॉयज एंड गर्ल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी ड्यू टू द इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ सीबेसियस ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स इन स्किन। तो एडोलेसेंट बॉयज एंड गर्ल्स में वो दो चीज़ों की डेवलपमेंट होंगी इनके फेस पे, जो प्यूबर्टी के टाइम होगी, और प्यूबर्टी के टाइम इंक्रीज एक्टिविटी सीबेसियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड की जो इंक्रीज हो जाएगी स्किन में, इसके वजह से ये फेस पे दो साइंस हमें दिखाई देंगे। वो क्या है? तो वो होंगे पिंपल्स एंड एक्ने। अब पिंपल्स एंड एक्ने, इनकी अगर हम बात करेंगे तो एडोलेसेंट बॉयज एंड गर्ल्स, इनके चेहरे पे इस तरह के पिंपल्स और एक्ने क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज एक्टिविटी होगी सीबेसियस ग्लैंड और इसी के साथ स्वेट ग्लैंड। अब स्वेट ग्लैंड से निकलने वाला स्वेट, जिसमें कई सारे वाटरी वेस्ट सब्सटेंसेस होंगे, और सीबेसियस ग्लैंड से निकलने वाला ऑयली एंड स्टिकी सीबम, ये दो चीजें फेवरेबल कंडीशन प्रोड्यूस करती है फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रोबियल इन्फेक्शन। और इन माइक्रोबियल इन्फेक्शन की वजह से यहां पे प्रॉब्लम जो होगा वो रेड बम्प विथ पस एट द टिप, जिसे हम बोलते हैं पिंपल्स, एंड ये पिंपल्स जब ज्यादा होते हैं तो उसे एक्ने बोला जाता है। तो इनकी एक्टिविटी, सीबेसियस ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ने की वजह से फेस पे जो साइंस दिखेंगे वो होंगे पिंपल्स एंड एक्ने, और यही हमारा आंसर है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।